जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मत की पेटी से बाहर निकल चुकी है। भजन लाल जी की सरकार ऐसे भजन करेगी कि जिनकी वाणी से कल्याण ही कल्याण निकलेगा। और अब जल्दी ही मंत्रिमंडल भी आकार ले लेगा और उसके बाद लूट और झूठ की सरकार जो जिसकी विदाई हमने की है उसकी लूट को भी बाहर निकालेंगे। अब सच्चाई के रास्ते पर चलकर जनता के कल्याण के लिए और जो वादे हमने संकल्प पत्र में किए उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार अपना रोड मैप बनाएगी। और इस बार चुनाव के अंदर जो पराजय हुई वो जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार है, परंतु बहुत से जयचंदों ने भी अपनी भूमिका निभाई और मुंह में राम बगल में छुरू लेकर भी कई लोग अब सत्ता के नज़दीक आने की कोशिश में लगे हैं। उनके चेहरे से नकाब खींचने के लिए कार्यकर्ता आतुर है। आने वाले चुनाव के अंदर मोदी जी की अगुवाई के अंदर ये तीसरी बार मोदी जी की सरकार बने, इस संकल्प के साथ अब वापस चुनावी मैदान में उतरेंगे और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हिंदुस्तान में फिर सरकार बने, इसमें कार्यकर्ता पनपन तन तन करके लगेंगे। राठौर साहब, आपकी चर्चा चल रही है कि राठौर साहब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर क्या कहना है? मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं, पार्टी का जो हुक्म होगा उसकी तामील करूंगा। तब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो चुरू जिले क्या प्रतिनिधि रहेगा मंत्री में कोई? देखिए, मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर संतुलित मंत्रिमंडल होगा, मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, पर जल्दी सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। मंत्रिमंडल में राठौर साहब आपकी क्या भूमिका रहेगी? एक पराजित व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, इसलिए मेरी मंत्रिमंडल में क्या भूमिका होगी? राठौर साहब, आपके हारने का मुख्य कारण क्या रहा? मेरी खुद की कमजोरी। मैं ऐसी धरती पर चला गया जिस धरती को संवारने के लिए, जिस धरती की वोट की फसल काट रहा था उससे पहले ज़मीन को समतल करने से लेकर जमीन की बुआई में जिस प्रकार का गुदाई में जिस प्रकार का काम होना चाहिए था वो मेरे द्वारा नहीं हुआ, इसलिए कार्यकर्ताओं ने था मेहनत की और सारे हार की जिम्मेवारी मेरी खुद की है।